गाइस यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ इस तरीके की इंस्टाग्राम पर स्टोरी आप लोग कैसे लगा सकते हो। गाइस अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो कि इस तरीके की स्टोरी लगा रहे हैं और वो काफ़ी देखने में अच्छी भी लगती है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती है। तो आप लोग भी इस तरीके की स्टोरी कैसे लगा सकते हो तो चलिए सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सिंपली इंस्टाग्राम को हम लोग ओपन कर लेते हैं। अपने इंस्टाग्राम पर ओपन करने के बाद जैसी ही स्टोरी लगाई जाती है वैसी ही इसमें कुछ अलग नहीं करना, बस जैसी वैसी आपको स्टोरी लगाना है। तो सिंपली आपको स्टोरी वाले के ऊपर क्लिक करना है, ऐड योर स्टोरी इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको वो वाली फोटो ले लेना है जिस भी फोटो का आप स्टोरी लगाना चाहते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये वाली फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रहता क्या है, पहले ब्लर रहता उसके ऊपर एक और फोटो रहता, वो भी ब्लर रहता उसके ऊपर आप ओरिजिनल फोटो लगाते हो तो काफ़ी अच्छी एंड अट्रैक्टिव लगती है। तो वो कैसे लगाना है, सिंपली आपको ये जो आपने फोटो सेलेक्ट करा है इसको आपको सबसे पहले ऐसे सिंपल अगर आपको लगाना है तो इसमें सॉन्ग लगा के योर स्टोरी करके पोस्ट कर सकते हो। लेकिन इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस तरीके की स्टोरी कैसे लगाने, सबसे पहले आपको इस फोटो को कर लेना होगा छोटा। इस तरीके से आपको इस तरीके से इस फोटो को इतना छोटा कर लेना है, जो ऊपर इतने सारे ऑप्शन है इसके नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको करना क्या, उसके बाद इसके नीचे रखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लर वाला, डार्क ब्लर वाला, ठीक है। इसके ऊपर आपको ये वाला फिल्टर लगाने दो। उसके बाद यहाँ पर आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद आपको एक चीज़ करना है, वो लेना है यहाँ इसका स्क्रीनशॉट। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना हो तो जैसे मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेता हूँ। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस स्क्रीनशॉट को आपको कर लेना होगा क्रॉप। तो यहाँ से मैं उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे इस तरीके से मैं जो कि क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको जो इस वाले को क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसको यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इतना काम हो गया, उसके बाद आपको कर देना होगा इसको डिस्कार्ड एंड कट, कट कर देना। उसके बाद फिर से आपको स्टोरी वाले पे जाना है, उसके बाद फिर से आपको स्टोरी वाले पे जाना है, ऐड योर स्टोरी करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो कट करा था ना वो यहाँ पर आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वो लेने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे कर लेना होगा, फिर से उतना ही छोटा कर लेना होगा, ठीक है। उतना ही छोटा आपको फिर से कर लेना है जो आपने पहला वाला करा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वही वाली फोटो को फिर से ले लेना होगा एक बार इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आपको एकदम बीचों बीच में रखना है, देन यहाँ पर आपको छोटा रखना है, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद आपको एक बार और स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद एक बार और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको भी आपको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको भी जो कि यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ उतना ही, ठीक है। जो कि आपको लास्ट जो कि खराब पार्ट है वो हटा देना है, ठीक है। उसके बाद इतना काम हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे से भी आपको क्रॉप, ऊपर से भी चारों तरफ से क्रॉप कर लेना। उसके बाद राइट आपको फिर से कर देना है। उसके बाद फिर से आपको डिस्कार्ड स्टोरी कर देना है। उसके बाद फिर से आपको ऐड योर स्टोरी करना है। अब भाई अट्रैक्टिव स्टोरी बनाना है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर से ये वाला जो आपने सबसे लास्ट में ऐड करा था वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको ले लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से वही काम ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर से आपको करना है, लेकिन आपको अब स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, अब आपको ओरिजिनल फोटो लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से ये वाली ओरिजिनल फोटो ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छे से सेट कर लेना है किनारे किनारे, जो कि ये जो पीछे वाला है इसका बॉर्डर आपको दिखे, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फिल्टर लगाना है आपको। यहाँ पर आप क्या है तो ब्लर वाला लगा सकते हो तो अट्रैक्टिव लगेगी। अगर आप ब्लर वाला नहीं लगाना चाहते हो तो आप ब्लैक एंड वाइट लगा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा बंदे लगा रहे हैं और बहुत इससे बहुत अट्रैक्टिव स्टोरी लगती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी अट्रैक्टिव स्टोरी लग रही है, कितनी अच्छी स्टोरी लग रही है। गाइस ये जब मैंने स्टोरी पहली बार लगाई थी ना तो मुझसे 3-4 लोगों ने ही पूछा था इंस्टाग्राम पे, तुरंत पूछा था जो भाई ये स्टोरी कैसे लगा रहे हो कैसे लगा रहे हो। तो इस तरीके की स्टोरी अभी जो कि काफ़ी अच्छी लगती है और अट्रैक्टिव भी लगती है जो आपकी देखने में आपकी, ठीक है। तो इस तरीके की स्टोरी आपको कैसे लगाना है मैंने आपको सिखा दिया। बस थोड़ी सी मेहनत आपको स्क्रीनशॉट लेके ही करना है। उसके बाद फिल्टर वगैरह आपको लगा देना है, ब्लैक एंड वाइट लगा सकते हो या फिर आप ब्लर वाला ही लगा सकते हो। दोनों फिल्टर आपको कमाल के लगने वाले हैं, या फिर अगर आप देख सकते हो आपके पास कोई और अच्छा फिल्टर हो तो आप और अच्छा लगा सकते हो। वैसे और कोई फिल्टर में अच्छी नहीं लगने वाली, दो फिल्टर आप या तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला लगा सकते हो या फिर ये जो ब्लर वाला मैंने आपको बताया ये वाला लगा सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको सॉन्ग चूज करने के बाद आप स्टोरी लगा सकते हो। तो इस तरीके की स्टोरी लगाना बहुत ही सिंपल है एंड बहुत आसान है। मैंने आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सीख चुके होंगे इस वीडियो को। अगर आप सीख चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।